इनको भी महाभारत में इंटरेस्ट है या स्टोरी पढ़ना पसंद है ये वीडियो उनके लिए। स्वागत है मेरे चैनल पर दोस्तों। पिछले वीडियो पे हमने बात किया था कर्ण के पराजय के बाद दुर्योधन की चिंता और दुख, और कर्ण और दुर्योधन का बातचीत करना जयद्रथ वध के बाद। तो पिछले सारे वीडियो आप देख सकते हैं इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके वीडियो या प्लेलिस्ट में जाके शुरुआत से देख सकते हैं। उसके बाद आज का चैप्टर है कौरव पांडवों का सेना का युद्ध, दुर्योधन और युधिष्ठिर का संग्राम और दुर्योधन की पराजय। संजय कहते हैं, जनेश्वर आपकी प्रचंड गज सेना पांडव सेना का उल्लंघन करके सब और फैल कर युद्ध करने लगी। पांचाल और कौरव महान यमराज्य और परलोक की दीक्षा लेकर परस्पर युद्ध करने लगे। एक पक्ष के सूरवीर दूसरे पक्ष के सूरवीरों से भिड़ कर बाण तोमर और शक्तियों से समरभूमि में एक दूसरे को चोट पहुंचाने और यमलोक भेजने लगे। परस्पर प्रहार करने वाले रथियों के साथ महान युद्ध होने लगा, जो खून की धारा बहाने के कारण अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। महाराज अत्यंत क्रोध में भरे हुए मददंत हाथी परस्पर भिड़ कर दांतों के प्रहार से एक दूसरे को विदीर्ण करने लगे। उस भयंकर युद्ध में महान यश की अभिलाषा रखते हुए घुड़सवार घुड़सवारों को प्रहार शक्ति और फरसों द्वारा घायल कर रहे थे। राजन हाथों में शस्त्र लिए सैकड़ों पैदल सैनिक सदा पराक्रम के लिए प्रयत्नशील हो एक दूसरे पर चोट कर रहे थे। आज नाम गोत्र और कुल का परिचय सुनकर ही हम लोग उस समय कौरवों के साथ युद्ध करने वाले पांचालों को पहचान पाते थे। उस समरांगन में वे समस्त योद्धा निर्भय से विचरते हुए बाण शक्ति और फर्शों की मार से एक दूसरे को परलोक भेज रहे थे। राजन सूर्यास्त हो जाने के कारण उन योद्धाओं के छोड़े हुए सहस्त्र बाण दसों दिशाओं में फैलकर अच्छी तरह प्रकाशित नहीं हो पाते थे। रात्रि में भी युद्ध चल रहा है और यहाँ से घटोत्कच वध पर्व शुरू हुआ है। भरतवंशी महाराज जब इस प्रकार पांडव सैनिक युद्ध कर रहे थे, उस समय दुर्योधन ने उस सेना में प्रवेश किया। वो सिंधुराज के वध से बहुत दुखी हो गया था, तब मरने का ही निश्चय करके उसने शत्रुओं की सेना में प्रवेश किया। अपने रथ की गड़गड़ाहट से दिशाओं को प्रतिध्वनित करता और पृथ्वी को कपाता हुआ सांप का पुत्र पांडव सेना के सम्मुख आया। भारत पांडव सैनिक तथा दुर्योधन का वो भयंकर संग्राम समस्त सेनाओं का महान विनाश करने वाला था। धृतराष्ट्र ने पूछा, द्रोण कर्ण कृपाचार्य और सत्पथवंशी कृतवर्मा ये तो राजा के चाहने वालों में से है, उन्होंने उसे युद्ध में जाने से रोका क्यों नहीं? युद्ध में सभी उपायों से राजा की रक्षा करनी चाहिए। महर्षि ने युद्ध विषय इसी सर्वोत्तम नीति का साक्षात्कार किया। संजय, अब मेरा पुत्र शत्रु की विशाल सेना में घुस गया, उस समय मेरे पक्ष के श्रेष्ठ रथियों ने क्या किया? संजय ने कहा, भरतवंशी नरेश, आपके पुत्र के आश्चर्यजनक एवं अद्भुत संग्राम का जो एक का बहुत से योद्धाओं के साथ हुआ था, उनका वर्णन करता हूँ, सुनिए। द्रोणाचार्य कर्ण और कृपाचार्य के मना करने पर भी जैसे मगध समुद्र में प्रवेश करता है, उसी प्रकार दुर्योधन पांडव सेना में घुस गया था। जहाँ तहाँ और सहस्त्र बाणों की वर्षा करते हुए उसने तीखे बाणों द्वारा पांचालों और पांडवों को घायल कर दिया। जैसे उदयकाल का सूर्य अपने किरणों द्वारा सर्वत्र फैले हुए अंधकार का नाश कर देता है, उसी प्रकार आपके महाबली पुत्र ने शत्रु सेना का विनाश कर दिया। जैसे अपने किरणों से तपते हुए दोपहर के सूर्य की ओर देख नहीं पाता कोई, उसी प्रकार अपने बाणों की ज्वालाओं से शत्रु को संताप देते हुए सेना के मध्यभाग में खड़े आपके पुत्र एवं आपके भाई दुर्योधन की ओर उस युद्ध स्थल में पांडव नहीं देख पाते थे। महामनुष्वी दुर्योधन की मार खाकर पांचाल सैनिक इधर उधर भागने लगे। अब वे पलायन करने में ही उत्साह दिखा रहे थे, उनमें शत्रुओं को जीतने का उत्साह नहीं रह गया था। आपके धनुधर पुत्र के चलाए हुए सुवर्णमय पंख तथा चमकती हुई धार वाले बाणों से पीड़ित होकर बहुत सारे पांडव सैनिक तुरंत धराशायी हो गए। प्रजानाथ, आपके सैनिकों ने रणभूमि में वैसा पराक्रम नहीं किया था जैसा कि आपके पुत्र राजा दुर्योधन ने किया। जैसे हाथी सबों से खिले हुए कमल पुष्पों से सुशोभित पोखरे को मत डालता है, उसी प्रकार आपके पुत्र ने रणभूमि में पांडव सेना को मत डाला। जैसे हवा और सूर्य से पानी सूख जाने के कारण पद्मिनी हतप्रभ हो जाता है, उसी प्रकार आपके पुत्र के तेज से तप्त होकर पांडव सेना श्रीहीन हो गई थी। भारत, आपके पुत्र द्वारा पांडव सेना को मारी गई देख पांचालों ने भीमसेन को अगुआ बनाकर उस पर आक्रमण किया। उस समय दुर्योधन ने भीमसेन को 10, माद्री कुमारों को 3-3, विराट और द्रुपद को 6-6, शिखंडी को 100, दृष्टिदुम्न को 70, धर्मपुत्र युधिष्ठिर को 7 और केके तथा छेदी देश के सैनिकों को बहुत से तीखे बाण मारे।
फिर सात्यकी को 5 बाणों से घायल करके द्रौपदी पुत्र को 3-3 बाण मारे। तत्पश्चात समरभूमि में घटोत्कच को घायल करके दुर्योधन ने सिंह के समान गर्जना की। उस महायुद्ध में हाथियों सहित सैकड़ों दूसरे योद्धाओं को क्रोध में भरे हुए दुर्योधन ने अपने भयंकर बाणों द्वारा उसी प्रकार मार डाला जैसे यमराज प्रजा का विनाश करते हैं। नरेश्वर, उस संग्राम में आपके पुत्र के चलाए हुए बाणों की मार खाकर पांडव सेना इधर उधर भागने लगी। राजन, उस महासमर में तपते हुए सूर्य के समान कुरुराज दुर्योधन की ओर पांडव सैनिक देख भी ना सके। नृपश्रेष्ठ, तदनंतर क्रोध में भरे हुए राजा युधिष्ठिर आपके पुत्र कुरुराज दुर्योधन को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर दौड़े। शत्रु का दमन करने वाले वे दोनों कुरुवंश भी दुर्योधन और युधिष्ठिर अपने अपने स्वार्थ के लिए युद्ध में पराक्रम प्रकट करते हुए एक दूसरे से भिड़ गए। तब दुर्योधन ने कुपित होकर झुकी हुई गांड वाले 10 बाणों द्वारा तुरंत ही युधिष्ठिर को घायल कर दिया और एक बाण से उसका ध्वज भी काट डाला। नरेश्वर, उन्होंने 3 बाणों द्वारा महात्मा पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर के प्रिय सारथी इंद्रसेन को उसके ललाट प्रदेश में चोट पहुंचाई। फिर दूसरे बाण से महर्षि दुर्योधन ने राजा युधिष्ठिर का धनुष भी काट दिया और 4 बाणों से उसके 4 घोड़ों को बीन डाला। तब राजा युधिष्ठिर ने कुपित हो पलक मारते मारते दूसरा धनुष हाथ में ले लिया और बड़े वेग से कुरुवंश दुर्योधन को रोका। माननीय नरेश, ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर ने 2 भल्ल मारकर शत्रु के संघार में लगे हुए दुर्योधन के सुवर्णमय पृष्ठ वाले विशाल धनुष के 3 टुकड़े कर डाले। साथ ही उन्होंने अच्छी तरह चलाए हुए 10 पैने बाणों से दुर्योधन को भी घायल कर दिया। वे सारे बाण दुर्योधन के मर्मस्थानों में लगकर उन्हें विदीर्ण करते हुए पृथ्वी में समा गए। फिर तो भागे हुए पांडव योद्धा लौट आए और युधिष्ठिर को वैसा ही घेर कर खड़े हो गए जैसे वित्तासुर के वध के लिए सब देवता इंद्र को घेर कर खड़े हुए हैं। आर्य, तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने आपके पुत्र राजा दुर्योधन पर सूर्य किरणों के समान तेजस्वी अत्यंत भयंकर तथा अनिवार्य बाण ये कहकर चलाया कि हाय तुम मारे गए। कारण तो खींच कर चले हुए उन बाणों से घायल होकर कुरुवंश दुर्योधन अत्यंत मूर्छित हो गया और रथ के पिछले भाग में अघम्मे से बैठ गया। आदरणीय राजेंद्र, उस समय प्रसन्न हुए पांचाल सैनिकों ने राजा दुर्योधन मारा गया ऐसा कहकर चारों ओर अत्यंत महान कोलाहल बन मचाया। वहाँ बाणों का भयंकर शब्द भी सुनाई दे रहा था। तत्पश्चात तुरंत ही वहाँ युद्धस्थल में द्रोणाचार्य दिखाई दिए। इधर राजा दुर्योधन ने भी हर्ष और उत्साह में भर कर सुदृढ़ धनुष हाथ में ले खड़े रहे कहते हुए वह पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर पर आक्रमण किया। ये देख विजयाभिलाषी पांचाल सैनिक तुरंत ही उसका सामना करने के लिए आगे बढ़े, परंतु कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन की रक्षा के लिए द्रोणाचार्य ने उन सब को उसी तरह नष्ट कर दिया जैसे प्रचंड वायु द्वारा उठाए हुए मेघ को सूर्यदेव नष्ट कर देते हैं। राजन, तदनंतर युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए आपके और शत्रुपक्ष के सैनिकों का महान संग्राम होने लगा जिसमें बहुसंख्यक प्राणियों का संहार हुआ। नेक्स्ट चैप्टर, रात्रि युद्ध में पांडव सैनिकों का द्रोणाचार्य पर आक्रमण और द्रोणाचार्य द्वारा उनका संहार। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मेरे मूर्ख पुत्र दुर्योधन से पूर्वक्त बातें कहकर क्रोध में भरे हुए बलवान आचार्य द्रोण ने वहाँ जब पांडव सेना में प्रवेश किया उस समय रथ पर बैठकर सेना के भीतर प्रवेश करके सब और विचरते हुए महाधनुर शूरवीर द्रोणाचार्य को पांडवों ने किस प्रकार रोका। उस महासमर में बहुसंख्यक शत्रुओं योद्धाओं का संहार करने वाले आचार्य द्रोण के दाएं चक्र की किन लोगों ने रक्षा की तथा किन लोगों ने उनके रथ के बाएं पहिए की रक्षा की। शत्रुपरायण वीर रथी आचार्य पीछे कौन से वीर थे और शत्रु पक्ष के कौन कौन से वीर उनके सामने खड़े हुए थे। मैं समझता हूँ शत्रु को बहुत देर तक बिना मौसम के ही सर्दी लगी होगी जैसे शिविर शत्रु में गाय सर्दियों के मारे कांपने लगती है उसी तरह वे शत्रु सैनिक भी आश्चर्य के भय से थर थर कांपने लगे होंगे क्योंकि किसी से परास्त न होने वाले संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाधनुर द्रोणाचार्य ने पांचालों की सेना में रथ के मार्ग पर नित्यसा करते हुए प्रवेश किया था। रथियों में श्रेष्ठ द्रोण क्रोध में भरे हुए धूमकेतु के समान प्रकट होकर पांचालों की समस्त सेना को दगदग कर रहे थे। फिर उनकी मृत्यु कैसे हो गई। संजय ने कहा, राजन, सायंकाल सिंधुराज जयद्रथ का वध करके राजा युधिष्ठिर से मिलकर कुंती कुमार अर्जुन और महाधनुर सात्यकी दोनों ने द्रोणाचार्य पर ही धावा किया। इसी प्रकार राजा युधिष्ठिर और पांडुपुत्र भीमसेन ने भी पृथक पृथक सेनाओं के साथ तैयार और शीघ्रतापूर्वक द्रोणाचार्य पर ही आक्रमण किया। इसी तरह बुद्धिमान नकुल दुर्जय वीर सहदेव सेना सहित दृष्टिदुम्य राजा विराट कैके राजकुमार और मत्स्य शाल्व देश के सैनिक
अपनी सेना के साथ युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य पर ही चढ़ाए। राजन पांचाल सैनिकों से सुरक्षित दृष्टिदुम्य पिता राजा द्रुपद ने भी द्रोणाचार्य का ही सामना किया। महाधनुष द्रौपदी कुमार तथा राक्षस घटोत्कच भी अपनी सेना के साथ महातेजस्वी द्रोणाचार्य की ओर लौट आए। प्रहार करने में कुशल 6,000 प्रबंधक और पांचाल योद्धा भी शिखंडी को आगे करके द्रोणाचार्य पर ही चढ़ाए। इसी प्रकार पांडव सेना के अन्य महारथी वीर पुरुष सिंह भी एक साथ द्विश्रेष्ठ आचार्य द्रोणाचार्य की ओर ही लौट आए। भरत श्रेष्ठ युद्ध के लिए उन शूरवीरों के आ पहुँचने पर वो रात बड़ी भयंकर हो गई, जो भीरु पुरुषों के भय को बढ़ाने वाली थी। राजन, वो रात्रि समस्त योद्धाओं के लिए अमंगलकारक भयंकर, यमराज के पास ले जाने वाली तथा हाथी घोड़े और मनुष्य के प्राणों का अंत करने वाली थी। उस घोड़े रजनी में सब और कोलाहल करती हुई सियारियाँ अपने मुंह में आग उगलती हुई घोर भय की सूचना दे रही थी। विशेषतः कौरव सेना में महान भय की सूचना देने वाले अत्यंत दारुण उल्लू पक्षी भी दिखाई दे रहे थे। राजेंद्र, तदनंतर भारी सेनाओं में रणभेरों की भारी आवाज़, मृतंगे की ध्वनि, हाथियों के चिंगारने, घोड़ों के हिनहिनाने और धरती पर अपनी टाप पड़ने से चारों ओर अत्यंत भयंकर शब्द गूंजने लगा। महाराज तत्पश्चात संध्याकाल में समस्त संजय वीर तथा द्रोणाचार्य का अत्यंत दारुण संग्राम होने लगा। सारा जगत अंधकार से तथा सेना द्वारा सबर उड़ाई हुई धूल से आच्छादित होने के कारण किसी को कुछ भी नहीं ज्ञात होता था। मनुष्य, घोड़ों और हाथियों के रक्त से सन जाने के कारण हमें धरती की धूल दिखाई नहीं देती थी। हम सब लोगों पर मोह सा छा गया था, जैसे पर्वत पर रात के समय बांसों का जंगल जल रहा हो और उन बांसों के चटकने का घोर शब्द सुनाई दे रहा हो। उसी प्रकार शस्त्रों के आघात प्रत्याघात से घोर चटचट शब्द कानों में पड़ रहा था। मृतंग और ढोलों की आवाज़ से, झांझ और पटरी की ध्वनि से तथा हाथी घोड़ों के फुकार और हिसने की शब्द से वहाँ का सब कुछ व्याप्त जान पड़ता था। राजन, उस अंधकाराच्छन्न प्रदेश में अपने और पराये की पहचान नहीं होती थी। उस प्रदेश काल में सब कुछ उन्मत्त सा जान पड़ता था। राजेंद्र, रक्त की धारा ने धरती की धूल को नष्ट कर दिया। सोने के कवचों और आभूषणों को चमकाते हुए अंधकार को नष्ट हो गया। वरश्रेष्ठ उस समय रात्रिकाल में मणियों तथा सुवर्ण के आभूषणों से विभूषित हुई वो कौरव सेना नक्षत्रों से युक्त आकाश के समान सुशोभित होती थी। उस सेना के आसपास सियारियों के समूह अपने भयंकर बोली बोल रहे थे। शक्तियों तथा ध्वजा से सारी सेना व्याप्त थी। कहीं हाथी चिंगार रहे थे, कहीं योद्धा सिंहनाद कर रहे थे और कहीं एक सैनिक दूसरे को पुकारते तथा ललकारते थे। उस शब्द से कोलाहल पूर्ण हुई वह सेना बड़ी भयानक जान पड़ती थी। थोड़ी देर में वहाँ रोंगटे खड़े कर देने वाला अत्यंत भयंकर शब्द गूंज उठा। ऐसा जान पड़ता था देवराज इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट फैल गई हो। वो शब्द वहाँ सारी दिशाओं में छा गया था। महाराज, रात के समय कौरव सेना अपने बांजूबंद कुंडल, सोने के हार तथा अस्त्र शस्त्र से प्रकाशित हो रही थी। वहाँ रात्रि में सुवर्णभूषित हाथी और रथ बिजलियों सहित मेघों के समान दिखाई देते थे। वहाँ चारों ओर गिरते हुए सृष्टि शक्ति, गदा, बाण, मूसल, प्रास और प्रतिसादी अस्त्र आगे अंगारों के समान प्रकाशित दिखाई देते थे। युद्ध करने की इच्छा वाले सैनिकों ने उस अत्यंत भयंकर सेना में प्रवेश किया जो मेघों की घटा के समान जान पड़ती थी। दुर्योधन उसके लिए पूर्वीय हवा के समान था। रथ और हाथी बादलों के दल थे। रणबाजों की गंभीर ध्वनि मेघों की गर्जना के समान जान पड़ती थी। धनुष और ध्वज बिजली के समान चमक रहे थे। द्रोणाचार्य और पांडव पर्जन्य का काम देते थे। खड़ग शक्ति और गदा का आघाती वज्रपात था। बाण रूपी जल की वहाँ वर्षा होती थी। अस्त्र के पवन के समान पतित होते थे। सर्दी और गर्मी से व्याप्त हुई वो अत्यंत भयंकर उग्र सेना सबको विस्मय में डालने वाली और योद्धाओं के जीवन का उच्छेद कर देने वाली थी। उससे पार होने के लिए नौका स्वरूप कोई साधन नहीं था। महान शब्द से पुकारित एवं भयंकर रात्रि का प्रथम पहर बीत रहा था, जो कायरों को डराने वाला और शूरवीरों का हर्ष बढ़ाने वाला था। जब वो अत्यंत भयंकर एवं दारुण रात्रि युद्ध चल रहा था, उस समय क्रोध में भरे हुए पांडव और संजीवों ने द्रोणाचार्य पर एक साथ धावा किया। राजेंद्र, जो जो प्रमुख महारथी द्रोणाचार्य के सामने आए, उन सबको उन्होंने युद्ध से विमुख कर दिया और कितनों को यमलोक पहुँचा दिया। उस प्रमोद काल में अकेले द्रोणाचार्य ने अपने नाराजों द्वारा 1,000 हाथी, 10,000 रथ और लाखों करोड़ों पैदल घुड़सवारों को नष्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर द्रोणाचार्य द्वारा शिवी का वध तथा भीमसेन द्वारा घुसे और थप्पड़ से कलिंग राजकुमार का एवं ध्रुव, जतराज एवं धृतराष्ट्र पुत्र दुष्कर्ण और दुर्मद का वध।